दोस्तों, फाइनल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई शादीशुदा औरत आपसे पटना चाहती है तो वो कौन से गुप्त इशारे करती है। दोस्तों, प्यार सब करना चाहते हैं, जैसे लड़के लड़कियां या फिर औरतें भी। दोस्तों, बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो लड़कियों को लाइन देते हैं, ठीक इसी तरह बहुत सी औरतें भी ऐसी होती है जो लड़कों को लाइन देती है। लेकिन इनमें से कुछ लोग ही, यानी कि 100 में से 25% पुरुष ही इन इशारों को समझ पाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे इशारों के बारे में बताने वाला हूँ, जो 4 इशारे कोई भी शादीशुदा औरत किसी भी पुरुष को देती है जब वह औरत उस पुरुष को पसंद करती है या फिर उस पुरुष को पटाना चाहती है। तो दोस्तों, कौन से है वो 4 इशारे, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला इशारा, आपके फैमिली मेंबर से दोस्ती करना। दोस्तों, जो औरत आपको पसंद करती है वो अगर आपके मोहल्ले या फिर आपके अड़ोस पड़ोस में रहती है तो क्या करेगी, सबसे पहले आपके किसी फैमिली मेंबर से जान पहचान बढ़ाएगी। वो फैमिली मेंबर आपके घर की कोई भी औरत हो सकती है, जैसे कि आपकी माँ, आपकी बहन या आपकी भाभी भी हो सकती है। अगर वो आपके साथ काम करने वाली है तो वो आपके खास दोस्तों से दोस्ती कर लेगी, और दोस्ती भी अचानक से बिना किसी कारण से कर लेगी। और दोस्तों, दोस्ती करने के बाद वह क्या करेगी कि आपके पसंद नापसंद के बारे में सबसे पूछताछ करेगी, आपके घर वालों से आपके बारे में पूछेगी, आपको क्या खाना पसंद है, आपको कहाँ जाना पसंद है, आपका फेवरेट कलर कौन सा है, इन सब चीज़ों के बारे में वो बहुत पूछताछ करेगी। तो दोस्तों, एक प्रकार का इशारा है जब दोस्तों आपके साथ यह सब अचानक से होने लगे, जब कोई औरत अचानक से आपके घर ज़्यादा से ज़्यादा आने जाने लगे, आपके घर के लोगों से आपके बारे में पूछताछ करने लगे, तो समझ जाइए कि वो औरत आपको पसंद करने लगी है और आपको इशारे से बताने की कोशिश कर रही है। नंबर 2, आपसे मिलने के बहाने ढूंढेंगी। दोस्तों, अगर कोई औरत आपको पसंद करती है, आपको लाइक करती है, तो वो हमेशा आपके आसपास रहने की कोशिश करेगी, आपसे मिलने के बहाने ढूंढेंगी, आपको किसी न किसी काम से अपने साथ रखने की कोशिश करेगी। वो आपको उनके साथ घूमने जाने के लिए भी कह सकती है, यानी कि किसी बहाने से या बिना किसी बहाने के वो आपसे मिलना चाहेगी, आपके आसपास रहना चाहेगी। नंबर 3, आपके टच में रहना। दोस्तों, अगर आप ऑफिस में हो और औरत उसी ऑफिस में काम करती हो, या औरत आपके पड़ोस में रहती हो, तो वो हमेशा आपके टच में रहेगी, आपको अपना नंबर देगी या फिर आपसे आपका नंबर मांगेगी, बार बार आपको कॉल करेगी, आपका हालचाल पूछेगी, आपने खाना खाया या नहीं ये सब पूछेगी। अगर कोई औरत आपके साथ ये सब चीज़ें बार बार लगातार कर रही है तो समझिए औरत आपको इशारे दे रही है कि वो आपको पसंद करती है। नंबर 4, आपको डांटना या आपकी केयर करना। दोस्तों, जब कोई औरत आपकी छोटी छोटी गलतियों पर आपको डांटने लगे, जैसे कि औरत ने आपसे पूछा कि आपने खाना खा लिया और आपने जवाब में कह दिया कि नहीं खाया, तो आपसे इस जवाब पर अगर औरत थोड़ा नाराज़ हो जाए और कहे कि क्या कारण है, तुमने खाना क्यों नहीं खाया, या फिर आपको डांटने लगे, तो ये बहुत बड़ा इशारा है कि वो आपको पसंद करती है। जब आपकी छोटी छोटी नादानियों से, गलतियों से उन्हें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने लगे, तो आप समझ जाना कि वो औरत आपको अपने दिल में, अपने दिमाग में बसा चुकी है, अब आप ही उनके लिए सब कुछ हो। दोस्तों, औरतें और लड़कियां दिल से नहीं, दिमाग से पटाई जाती है। कैसे 30% लड़के बाकी के 70% औरतों को और लड़कियों को पटा लेते हैं, उन तरीकों को जानने के लिए, औरतों और लड़कियों के व्यवहार को और भी ज़्यादा गहराई से समझने के लिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल पर विजिट करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।